नमस्कार, आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के जिले यमुनानगर के तीर्थ नगर के नजदीक जो पुल पड़ता है। और बताया जा रहा है कि एक व्यक्ति है, 43 वर्षीय व्यक्ति जो है शादी में आता है, यूपी का निवासी वो व्यक्ति बताया जा रहा है, जो कि अपने परिवार वालों के साथ शादी में आता है, दोस्तों यारों के साथ शादी में आता है। और बताया जा रहा है कि किसी तरीके से यहाँ पर जो है सेवन कर रहा होता है नशीले पदार्थ का और एकदम से गिर जाता है और उसको सर्च ऑपरेशन है। क्या कुछ मामला है जानने की जरूर कोशिश करेंगे। कितने बच्चे हैं उनके? छह बच्चे, एक लड़की मर गई, पांच हैं। क्या नाम बताया जा रहा है उनका? काम क्या करते थे? मजदूरी करते। नाम क्या उनका? मित्तर सेन। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर गोताखोर यहाँ पर पहुंचे और लगातार बॉडी को ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है। क्या कुछ मामला हुआ था, क्या कुछ पता चल रहा है लोगों ने, क्या कुछ नहीं मामला, क्या करने के लिए आए थे यहाँ पर? जी वो शादी में आए थे। शादी में आए थे, उसके बाद यहाँ पर किस तरह पहुंचे जमुना तक? जमुना तक यहाँ दारू पीने के लिए आए, तीन बंदे दारू पीने के लिए आए। दारू पीने के लिए जी, दारू पी उसके बाद पता नहीं चला, 6 बजे के बाद कोई पता नहीं चला। आपको कब पता चला कि जी क्या परसों तक, 16 तारीख के बाद पता नहीं चला। आपको कब पता चला कि वो नॉर्मल नहीं है? गिरेगा तो सिर्फ पता चला 16 तारीख के बाद चला पता, अगले दिन चला पता। अच्छा, आपने ढूंढना शुरू किया? जी ढूंढना शुरू करा, परसों भी आए, कल भी आए, आज भी आए, नहीं मिली। नहीं, क्या कुछ कहना चाहेंगी आप? देखो जी, उनको ढूंढने आए थे और मैं खोख के जो आंटी बैठी ना, उन्होंने बोला है कि आपका जो बंदा है यहाँ गिर पाया। कौन है बंदा? कौन आंटी बैठी? वो उधर वहाँ बैठी हो, अभी भी बैठी है। उन्होंने बताया आपको? हमने उन्हें इसे विश्वास करा, फिर उन्होंने बोला है जो दो लड़के थे इनके साथ में, मैं भी पी रहे थे, जब उन पीछे गिर गया तो मैं भाग लिए। अच्छा, और उन दो आदमियों को आप जानती हैं जो उनके साथ पी रहे थे? नहीं, हम साथ मन थे जो हम कर जाना ही। क्या कुछ कहना चाहेंगी? दारू पीना कितना भारी पड़ गया, आपका जो है घर ही उजड़ गया है। माता जी क्या कुछ कहना चाहेंगी? क्या कहना चाहूँगी जी, मुझे उनका पता ही नहीं कौन गल्ला होंगे कौन नहीं। कहना चाहेंगी कि ढूंढने का प्रयास करेंगे, सबको तो गति मिल जाए, क्योंकि बचना तो बहुत मुश्किल हो गया होगा, तो शव को ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है। राजीव क्या बात हुई थी, क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या पूरा मामला था? सर जी नमस्कार जी, मेरा नाम राजीव है। ये मुझे अभी थोड़ी देर पहले पता लगा, 1.5 घंटे पहले ये सरदार जी का फोन आया मेरे पास, एक लड़का गिर चुका है। उसके बाद हमने कोशिश करनी चालू करी है, ये पीछे पुल के पीछे बैठने की जगह थी, वहाँ से पत्थर से स्लिप होकर पानी में चले गए वो। ठीक है, मैंने सारा चेक करा अच्छी तरह। यहाँ जी एक प्रश्न आता है कि प्राइवेट गोताखोरी हमेशा आते हैं, सरकारी गोताखोर नहीं मिल पाते हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सर उन पर सामान ही नहीं है हमारे पास, अपने पास सारा सिस्टम है अपने पास। अब मैं अंडरवर्ल्ड कैमरे मंगाने वाला हूँ, थोड़े दिन के अंदर कर रखा है इंतजाम, अंदर से जिस तरह हम अंदर पानी में काम कर रहे हैं बाहर बैठे बैठे सारा पता लगा भी लगाया जाता है कि गोताखोर पैसे लेता है। देखो जी, के लिए पैसे की तो आवश्यकता पड़ेगी। सुनो मेरी बात, मेरा कम से कम 1.5 से 2 लाख रुपए कैमरे आएंगे, जो अंडरवर्ल्ड कैमरे होंगे अंदर से, जिस तरह हम अंदर पानी में काम कर रहे हैं उसे बाहर पता लग जाएगा अंदर क्या हो रहा है, पानी के अंदर क्या क्या चीज पड़ी है अंदर। तो अंदर बताया जा रहा है पुलिस के बैरिकेड सरिये सब कुछ पड़े होंगे? अरे बहुत इसमें पड़ा जी कबाड़, क्या पता अंदर कोई बिना सिलेंडर के जगह चोट भी लग सकती है। क्या पता कितने रुपए का जो है रात को खनन किया जाता है इस सामान का? अरे बस रेता निकालते रहते हैं, अब उसमें क्या कहते हैं डूंगा है बड़ा पानी, इस तरफ ये नाली बनी हुई है, परली तरफ कम हो गया पानी, इस तरफ नाली बनी हुई है, बहुत पानी डूंगा है बड़ा इस तरफ। तो कहीं ना कहीं आप सभी को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, घरवाली उनकी पत्नी है जिसका रो रो कर बुरा हाल है कि कहीं ना कहीं उसके पति जो है मिल जाए। इस समय तो खैर उसके पति पता नहीं बचे हुए हैं नहीं हुए हैं, लेकिन उनके जो है शव को बरामद कर लिया जाए, कम से कम उनके अंतिम समय में उनको जो है पूरा उनका जो क्रिया की जाती है वो क्रिया कर जा सके, कहीं ना कहीं उनकी जो है प्योरी क्रिया की जा सके। आप लाइव तस्वीरें देख पा रहे हैं हरियाणा के जिले यमुनानगर से। आप सभी को बता दें किस तरह से दोस्तों यारों के साथ दारू पीना कितना महंगा पड़ जाता है। नदी किनारे बताया जा रहा है यूपी का परिवार शादी अटेंड करने के लिए आया था, लेकिन जिसके बाद वो लोग शाम के समय पर पुल पर टहलने आते हैं और उसके बाद यार दोस्तों के साथ जो है शराब पीकर जो है बैठे होते हैं, लेकिन कट्टे जो आप देख रहे हैं कट्टा इसी तरह से सरक जाता है और कट्टे सरक जाने के बाद वो व्यक्ति गिर जाता है। उसके साथ में जो दो व्यक्ति आए थे उनका भी कुछ नहीं पता चल पा रहा, उन आंटी से बातचीत करने का प्रयास करेंगे जिस औरत ने इस पूरे क्रियाक्रम को देखा है। आप ये लाइव तस्वीरें देख पा रहे हैं हरियाणा के जिले यमुनानगर के बाढ़ी माजरा के नजदीक पुल से।
तो बताया जा रहा है कि इस ढांग पर बैठकर वो है दारू पी रहे थे, सिगरेट पी रहे थे, शराब का पान कर रहे थे और इसी जगह पर बताया जा रहा है कि वो उलट कर गिर गए हैं और जिसके कारण वो नीचे गिर गए हैं। जमुना देख सकते हैं यहाँ पर एक तरह का जो है कोई भी जो है बैठने के लिए कुछ भी स्थान नहीं था, लेकिन जो है लापरवाही बड़ी सामने आ रही है। यहाँ पर बैठकर पी रहे थे माता जी? जी यहाँ पर पी रहे थे, लेकिन हम साथ में नहीं थे, जो बंदे थे अब उनके साथ भाग लिया, उन्होंने घर में नहीं बताया जाकर। यहाँ से गिरे जी? यहाँ से गिरे हैं, ये सीमेंट का गट्टा पड़ा ना टूटा हुआ, यहाँ से गिरे हैं। यहाँ पर बैठ के दारू पी रहे थे? दारू पी रहे थे, पता नहीं बैठे थे क्या कर रहे थे यहाँ पर बैठे। कितने लोग थे? चार बंदे थे। चार से, तीन से चार बंदे थे। हाँ जी। क्या उम्र बताई जा रही है लगभग? जो मरने वाला उसकी उम्र 43 साल है। 43 साल है। पांच बच्चे बताए जा रहे हैं यूपी से शादी अटेंड करने के लिए आया था। क्या कुछ कहना चाहेंगे, किस तरह से 2 मिनट का मजा जिंदगी भर की सजा बन गया है? सजा बन गई जी। जी क्या कहना चाहेंगे, 2 मिनट का मजा जिंदगी भर की सजा? बच्चे बर्बाद हो गए जी, पूरा घर बर्बाद हो गया। पत्नी का रो रो कर बुरा हाल है, बता नहीं पा रही है, सदमे में है पत्नी। तो सदमे में है पत्नी, बता नहीं पा रही कि उसके आखिरकार पति किस तरह गिरता है। एक टूटा कट्टा आप लोग देख रहे हैं जहां पर बैठकर दो चार व्यक्ति बताए जा रहे हैं यूपी से शादी करने के लिए यहां पर आए थे, बारात में शामिल होने के लिए आए थे, जिस तरीके से शराब का पान कर रहे थे और एकदम से झटका लगता है और वो नीचे गिर जाते हैं। क्या हुआ था अंकल जी? हमने गाड़ी सुना जो डूब गया, एक आदमी गिर गया उस दुकान से जी, बस इतने हम जानते हैं। तो आपके सामने 20-30 गाड़ियां रुकी? हाँ, शादी था उस दिन, शादी था, बारात में वो लोग आए थे जी। जी उसमें दारू पी रहे थे। हाँ। वो सीमेंट के बोरा पर बैठे, अनबैलेंस हो गया, उधर गिर गया। तो आवाज सुनाई थी, कोई चीख चूक मारी किसी ने उस समय? चीख कैसे मारेगा, तो पानी में गिरा और डूब गया। जो साथी व्यक्ति थे वो फरार हो गए जो साथ में दारू पी रहे थे? हाँ, वो 2-3 आदमी थे उधर, हम सुना। शोर मचाया उन्होंने? नहीं, कुछ नहीं मचाया। तो आपको कैसे पता चला वो नीचे गिर गया? आदमी चिल्लाया उधर से, एक औरत उधर से काम करके आ रही थी, वो चिल्लाया, तब हजारों आदमी गया देखने के लिए, फिर हम भी सुना वैसा ही। बताया जा रहा है अंदर सिरिये भी पड़े हैं, बैरिकेड भी पड़े हैं, पुल का निर्माण चल रहा था, कहीं उससे तो नहीं क्षति हो गई है? पुल तो बन के तैयार होके वो लोग चला गया पुल में। अच्छा, ये तो बताया जा रहा था अंकल ने देखा है कि किस तरीके से शादी की 15-20 गाड़ियां यहां पर रुकती हैं और उस गाड़ियां रुकने के बाद यहां पर जो लोग हैं शराब का सेवन करते हैं, जिसके कारण अनबैलेंस वो कट्टा हो जाता है और जिसके कारण जो है वो व्यक्ति जो है डूब जाता है। आप लाइव तस्वीरें देख पा रहे हैं हरियाणा के जिले यमुनानगर के तीरथ नगर के नज़दीक जो ये जमुना का घाट पड़ता है, जहाँ पर एक दुखद हादसा सामने आता है, अनहोनी घटना जो हम लोग कह सकते हैं, किस तरीके से 1-2 मिनट की मजे के लिए जो है जिंदगी भर की सजा बन जाती है। आप लाइव तस्वीरें देख पा रहे हैं। तो एक बार फिर से रेस्क्यू ऑपरेशन की तैयारी कर ले गई है, जो प्राइवेट गोताखोर राजीव है शव को ढूंढने के लिए यमुना में उतर, तस्वीरें देख पा रहे हैं यमुना में उतरता हुआ राजीव गोताखोर नजर आ रहा है, बताया जा रहा है कि ढूंढने का दोबारा से प्रयास किया जा रहा है। सर ये बैरिकेड पड़े हुए, इसके अंदर बढ़ के देख रहे हैं दोबारा, क्या पता फिर फतेह हो सकती है। नीचे सरिये भी बहुत पड़े हैं, ऊपर आ गई होगी। हाँ अब तक तो आ चुकी होगी, ये थोड़ा लेट आया। हाँ देख लेते हैं, जा सकती है जी। भाव तेज है माँ जी? भाव तो आज थोड़ा स्लो है पानी, नहीं तो रोज तेजी चल रहा था पानी। अभी आप ढूंढने का प्रयास करेंगे? आप अंदर पानी में जा रहे हैं सर? कितनी देर तक आप गोता नीचे लगाते हैं? मेरे 1-1.5 घंटे का लगातार का गोता होता है, वैसे पानी स्लो आ रहा है, जल्दी बैठा नहीं जाता पानी में। ऑक्सीजन जो पर्याप्त है, 1 घंटे तक आप नीचे पानी। पुलिस को सूचना दी गई थी राजीव इनकी तरफ से? देखो ये कुछ कह नहीं सकता सर, तो मौके पर पुलिस भी नहीं आई है जैसे। तो देख सकते हैं कि राजीव अब जो है तो कहीं ना कहीं जो है खोदने का प्रयास करते हुए नजर आ रहे, राजीव गोताखोर की टीम जो है ढूंढती हुई नजर आ रही है। ऑपरेशन किया जा रहा है, सर्च ऑपरेशन में ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है कि आखिरकार वो व्यक्ति है जो गिरने के बाद कहां पर पाया जाएगा। आप लाइव तस्वीरें देख पा रहे हैं, ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है उस व्यक्ति को, जो कि बताया गया था कि यूपी से बारात में हरियाणा में आया था और जिसके बाद वो कट्टे पर बैठे हुए जो है शराब पी रहे थे, जिसके बाद उनका ना पता नहीं चल पाया। आप लाइव तस्वीरें देख पा रहे हैं हरियाणा के जिले यमुनानगर से। तो लाइव रेस्क्यू ऑपरेशन आप लोग देख रहे हैं, ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है कि कहाँ आखिर वो व्यक्ति है, कहाँ आखिर वो व्यक्ति है।
तो आप लोग देख सकते हैं कि रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है, पानी में बुलबुले उठ रहे हैं और बुलबुले उठने के साथ गोताखोर की टीम अंदर तलाश रही है, तलाश जारी, आखिरकार तलाशा जा रहा है कि वो व्यक्ति का शव बरामद हो जाए और कहीं ना कहीं उनके घर वालों को सौंप दिया जाए। बताया जा रहा था कि मिलना शव थोड़ा सा मुश्किल। आप लोग बुलबुले देख सकते हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन के लाइव रेस्क्यू ऑपरेशन आप लोगों को दिखाने का प्रयास किया, तमाम आसपास के लोग मौके पर मौजूद हैं, कहीं ना कहीं रेस्क्यू किया जा रहा है कि आखिरकार जो व्यक्ति डूबा है उसके शव को बरामद कर लिया जाए। आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के जिले यमुनानगर। प्रयास किया गया था, ढूंढने का प्रयास किया गया था प्राइवेट गोताखोर राजीव के द्वारा, लेकिन ढूंढा जा रहा है, सर्च ऑपरेशन करा जा रहा है, सर्च ऑपरेशन के द्वारा जो है शव को ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है, अभी सफलता नहीं मिल पाई है। लेकिन राजीव गोताखोर का ये कहना है कि जब तक शव नहीं मिलेगा उसको ढूंढने का प्रयास किया जाएगा, क्या पता जो शव है वो बीच में ही फंसा रह चुका हो और कहीं ना कहीं उसको ढूंढने का राजीव प्रयास करते रहेंगे। थोड़ी थोड़ी देर में क्या कुछ कहना चाहेंगे? सर कम से 1.5 घंटा हो गया प्रयास कर रहे हैं जी, आगे भी देख लेंगे सर जाके, लगता है मिल जाएगा। हाँ मिलने के में तो है लेट, जिस हिसाब से लेट हो गया काम, मिलने के में तो है सर जी। तो कहीं ना कहीं जो है प्रयास किया जा रहा है, घर वालों का, पत्नी का रो रो कर बुरा हाल है, सदमे में घर वाले चले गए हैं, पत्नी सदमे में है कि कहाँ उसके पति चले गए हैं, खुशी के माहौल में आते हैं लेकिन मातम का माहौल छा जाता है। पिलाई तस्वीरें देख रहे हैं, तीर्थनगर के नज़दीक ये पुल पड़ता है यमुना का। और अब मुझसे हमको दे दीजिए इजाजत, तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए iBN24 के साथ, नमस्कार। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।